कल रात को इस नदी में जाल बिछा कर गया था। लगता है रात भर में पूरी जाल मछलियों से भर गई है, तभी तो जाल इतनी भारी हो गई है। अरे वाह, कितनी सारी मछलियां हैं, कितने तरह तरह की है। अरे 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 अरे, जाल में तो एक कछुआ भी दिख रहा है। कितने दिनों से मैंने कछुए का मांस नहीं खाया है। अब जल्दी से बाजार जाकर इन मछलियों को बेचकर घर चला जाता हूँ। घर जाकर अच्छे से नहा धोकर मजे से कछुए का मांस और चावल खाऊंगा। अरे ये क्या हुआ, मछलियों की ये थैली उस वक्त जैसी भरी लग रही थी, अब क्यों नहीं लग रही है? हैं? कहीं थैले में छेद तो नहीं है, और उस छेद से मछलियां कहीं बाहर तो नहीं गिरी है? थैला तो ठीक है, पर पता नहीं बात क्या है। अरे दिनू भाई, आज कौन सी मछलियाँ पकड़ कर लाए हो, बताओ तो। बहुत अच्छी किस्म की मछलियाँ लाए हूँ भाई, कतला, मांगूर, हिलसा, रेहू। और तो फिर तुम अच्छी कीमत लेकर मुझे भेज दोगे या खुद ही बेचने के लिए बैठोगे? हाँ अच्छी कीमत मिलने पर क्यों नहीं दूंगा। दरअसल बात यह है कि आज जाल में कछुआ भी फंसा है, इसलिए मछलियाँ बेचकर जल्दी से घर जाकर मैं खाऊंगा। समझ गया, रसेदार कछुए का मांस और गर्मा गर्म चावल। वाह 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 वाह, फिर ठीक है, सारी मछलियों के इस केले के पत्ते पर निकालो जरा। ये लो। अरे दिनू, मछलियाँ कहाँ पर है? वही तो, मछलियाँ कहाँ गई? वो तो तुम्हें पता होगा ना, मछलियाँ कहाँ गई? अरे यकीन करो, बहुत सारी मछलियों से भरी हुई थैली थी मेरी। हाँ। और थैली खोलते ही सारी मछलियाँ गायब हो गई, सब छूमंतर हो गई। बड़े आए, बेकार की झूठी बातें बोलकर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। बहुत आए, चलो जाओ जाओ। ये कैसे हो गया, आखिर इतनी सारी मछलियाँ कहाँ चली गई? जाने दो, उस बारे में जितना सोचोगे उतना ही दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जल्दी घर जाकर मीना से कहता हूँ कि कछुए को जल्दी से काटवाट डाले, वरना कहीं ये भी गायब ना हो जाए। अरे 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 अरे, क्या हुआ कालू, रो क्यों रहा है तू? है अरे सुनती हो, आज जाल में कछुआ फंसा है, जरा मजेदार पकाओ तो उसे मजे से खाएंगे। हाँ हाँ हा, बस ये कुछ काम बाकी है, इन्हें खत्म करके मैं अभी रसोई पकाती हूँ। पर ये कालू इस तरह से क्यों रो रहा है, बताइए तो। पता नहीं, हो सकता है इसके पेट में दर्द हो। अच्छा सुनो, मैं तालाब पर जाकर हाथ मुंह धोकर आता हूँ, कछुए की थैली यहीं पर रखी है मैंने। है? साफ सफाई तो हो गई, अब जरा गौशाला में जाती हूँ और श्यामा को दाना पानी दे आती हूँ। बस बस माता, देती हूँ, रुको। हाँ लो, अब खा लो। ये कालू तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा। अरे चुप कर जरा, चुप। अरे चुप कर। अरे कालू, तू रोना बंद करेगा या फिर डंडे से मार खाएगा, बताओ। श्यामा, अब तुझे क्या हुआ रे, इस तरह से तूने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? हाँ क्या हुआ? अरे ये श्यामा इस तरह से क्यों चिल्ला रही है, जाकर देखती हूँ जरा। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, वो छोटा सा कछुआ इतना बड़ा होकर श्यामा को खा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बचाओ, कोई मेरी गाय को बचाओ, एक कछुआ खा रहा है, बचाओ।
एक कछुआ गाय को खा रहा है। बचाओ, ये 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 रहा डंडा। अरे बाप रे, अरे ये रहा हसुआ। इसने तो हसुआ भी निगल लिया, इसका मतलब ये मुझे भी शामा की तरह निगल जाएगा। सुनते हैं, कहाँ है आप? ये राक्षसी कछुआ मुझे निगलने के लिए आ रहा है। जल्दी जल्दी से ये आइए और मुझे बचाइए। कहाँ गए आप? ये राक्षसी कछुआ मुझे निगलने के लिए आ रहा है। जल्दी आइए, बचाओ। नीला, अब क्या होगा? कैसे भी करके इस राक्षसी कछुए के हाथों से बचना ही होगा हमें। मगर ये कैसे होगा? भागो मीना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कछुआ हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, हमें खा जाएगा, ये हमें नहीं छोड़ेगा। मीना उठो, मीना उठो, उस राक्षस कछुए के हाथों से हम बच गए हैं। मीना, हम तो बच गए लेकिन। अरे मीना, आप क्यों रो रही हो? हम तो बच गए हैं ना। आपकी अकलमंदी के कारण हम तो बच गए, पर कालू और हमारी प्यारी श्यामा, इनकी तो जान चली गई, जान चली गई। ये क्या हो गया?